हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन गूगल डॉक्स। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने क्या किया है, गूगल डॉक यहां पे ओपन करके रखा है। तो फ्रेंड, हमको क्या करना है, यहां पे शेप को इंसर्ट करना है। तो डेफिनेटली फ्रेंड, हमको यहाँ पे कहाँ पे जाना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। एंड फ्रेंड, जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे, यू विल सी, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ड्राइंग का। ड्राइंग पे आप क्लिक करेंगे तो उसके जस्ट सामने ही आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, न्यू करके। तो फ्रेंड, हमको क्या करना है, न्यू पे जस्ट क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यू विल सी इस तरह का एक इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड फ्रेंड, यहाँ पे आप जस्ट एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्शंस आ रहा है, कंट्रोल जेड, अंडू, रे अंडू, ये सब चीज़ें आ रही है। तो फ्रेंड, हमको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट शेप को देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा, ये क्या रहा है, हमारा शेप। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हमको क्लिक करना है। जैसे आपने शेप पे क्लिक किया, यू विल सी यहाँ पे इतने सारे आगे आपको शेप ऐड करना है, तो आप शेप भी ले सकते हो। एरो भी बहुत सारे मल्टीपल थिंग्स के हैं, तो आप एरो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कॉल आउट भी हैं, इक्वेशंस भी हैं। तो फ्रेंड, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो जहाँ पे दिया है। तो फ्रेंड, सपोज मैं यहाँ पे शेप्स का ही एग्जांपल लेती हूँ। तो फ्रेंड, सपोज मैंने फर्स्ट ये एक शेप क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, उस शेप पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, अपने माउस या फिर कर्सर के थ्रू यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो फ्रेंड, ड्रैग करने के बाद, ठीक है, सपोज मैंने इसको एक ड्रैग कर दिया, अगेन मुझे कोई एक और इमेज चाहिए, तो अगेन मैं कहाँ पे जाऊँगी, शेप पे जाऊँगी एंड यहाँ पे जाके मैं जो सिलेक्ट करूँगी मुझको कौन सा इमेज चाहिए। सपोज मुझे ये इमेज चाहिए ट्रायंगल का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ आने के बाद फ्रेंड, मैं उसको क्या करूँगी, यहाँ पे कर्सर के थ्रू या फिर माउस के थ्रू इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल फ्रेंड, सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो अगेन मैं इसको भी क्या कर लूँगी, यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, सपोज मैंने शेप तो बना लिया, अगर मुझे इसको कोई स्पेसिफिक कलर देना है तो उसके लिए क्या करना है। तो फ्रेंड, मुझे क्या करना है, जो मैंने शेप को सिलेक्ट किया है उस पर मैं क्या करूँगी, क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट देयर इज अ ऑप्शन फिल कलर एंड बॉर्डर कलर। तो फर्स्ट हम फिल कलर देख लेते हैं। तो सपोज फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कलर को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अगेन मुझे इसका बॉर्डर कलर कुछ करना है, तो बॉर्डर में जाके मैं इसको पहले ब्लैक ही रहने देती हूँ। तो यू विल सी यहाँ पे कलर फिल भी हो गया, बॉर्डर भी आपने एक प्रॉपर दे दिया। सपोज मुझे ट्रायंगल में भी कोई कलर फिल करना है, अगेन मैंने क्या किया, ट्रायंगल पे क्लिक किया। सिलेक्ट होने के बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे फिल कलर में जाके कोई भी कलर आप एक चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसको भी एक प्रॉपर कलर फिल कर सकते हो। सपोज मैंने इसके लिए भी अगेन क्या किया, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करके आप आपके हिसाब से कोई भी उसको प्रॉपर एक कलर दे सकते हैं। तो फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई भी एक प्रॉपर कलर भी दे सकते हैं गूगल डॉक में। एंड सपोज इसके ऊपर आपको, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने ड्रॉ करके रखा है उसके ऊपर अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना भी है तो वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए टीकर का ऑप्शन है, जो क्या हमारा है टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर जैसे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन जिस ऑब्जेक्ट्स पे मुझे चाहिए मैं क्या करूँगी, जस्ट यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे ले लिया। अब मुझे यहाँ पे जो भी लिखना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ। फ्रेंड, सपोज मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख लिया, अब आफ्टर दैट मैं इसको अपने हिसाब से फॉन्ट साइज बड़ा भी कर सकती हूँ, अलाइनमेंट उसका सेट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या करना है, मोर ऑप्शन में जाके यू विल सी, देखिए यहाँ से क्या ऑप्शन है, आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक, जिस थ्रू से कर रहे आप कर सकते हैं, एक अलाइनमेंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एंड फ्रेंड, ये सारी चीज़ें ड्राइंग होने के बाद हमको क्या करना है, इसको सेव एंड क्लोज करना है। तो फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेव एंड क्लोज करूँगी, यू विल सी जो डॉक मैंने ओपन करके रखा था उसमें क्या हो जाएगा, ये जो भी शेप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड। I'm not the one who's running out of time.